हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और चैप्टर हमारा चल रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जल्दी से जवाब दीजिए कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कितने सेक्शन हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जल्दी से जवाब दीजिए कि कौन कौन से सेक्शन हैं इसके अंदर। गुड, सेक्शन 22 टू सेक्शन 27। सेक्शन 22 टू सेक्शन 27। सेक्शन 22 इसका चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन में ये बताता है कि किस किस कंडीशन के सेटिस्फाइड होने पर कोई इनकम इस एड में टैक्सेबल होगी। तो इसका जो चार्जिंग सेक्शन 22 है वो ये बताता है कि एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टनेंट देयर टू, यानी कि जो प्रॉपर्टी है उसमें बिल्डिंग जरूर होनी चाहिए। बिल्डिंग कैसी हो सकती है, कमर्शियल, रेजिडेंशियल या बोथ? जल्दी से बताइए कि बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए, कमर्शियल, रेजिडेंशियल या बोथ? वेरी गुड, बोथ होनी चाहिए, यानी कि चाहे कमर्शियल भी हो सकती है चाहे रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी हो सकती है। वैकेंट लैंड का किराया क्या इस हेड में टैक्सेबल होता है हाउस प्रॉपर्टी में? अगर खाली लैंड किराए पर दी जाए तो क्या इस हेड में टैक्सेबल होती है या नहीं होती है? गुड आंसर, नो, यानी कि वैकेंट लैंड का किराया इस हेड में टैक्सेबल नहीं होता है। लेकिन अगर वही लैंड अपर्टनेंट देयर टू ऑफ ए बिल्डिंग हो, यानी किसी बिल्डिंग के साथ हो और किसी बिल्डिंग के साथ ही किराए पर दे दी जाए, तो दोनों का किराया जो है टैक्सेबल होता है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये बताइए कि एसएससी टेनेंट भी हो सकता है क्या हाउस प्रॉपर्टी का? अगर हाउस प्रॉपर्टी में किराया टैक्सेबल करना है तो एसएससी का ओनर होना जरूरी है या नहीं है? जल्दी से बताइए कि एसएससी का ओनर होना जरूरी है या नहीं है अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करना है। जरूरी है, यस, वेरी गुड, जरूरी है। इसके अलावा एसएससी उस प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबल बनाना है, नहीं कर सकता, क्योंकि एक कंडीशन है, सच हाउस प्रॉपर्टी शैल नॉट बी यूज बाय द एसएससी फॉर हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरियड ऑन बाय हिम। लेकिन अगर वो किराए पर देता है उस हाउस प्रॉपर्टी को, हाउस प्रॉपर्टी हेडिंग से कंफ्यूज मत होइएगा कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, क्योंकि ये केवल एक हेडिंग है, चैप्टर की हेडिंग है, लेकिन चैप्टर की हेडिंग से कोई भी मतलब नहीं निकलता। जो सेक्शन में वर्डिंग दी हुई है और सेक्शन में वर्डिंग दी हुई है वहां पर प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल भी हो सकती है, कमर्शियल भी हो सकती है। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है, जो टेनेंट है आपका वो उसमें अपना खुद का बिजनेस प्रोफेशन चला रहा है, तो भी आपके हाथ में, इन योर हैंड्स, वो इनकम जो है, रेंटल जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप अपना खुद का व्यवसाय या प्रोफेशन कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो प्रॉपर्टी चार्जेबल नहीं होती है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। दिस इज सेक्शन 22। सेक्शन 23 में क्या था? हाउ टू कंप्यूट एनुअल वैल्यू इन डिफरेंट सिचुएशन, किस किस अलग अलग सिचुएशन में एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? एनुअल वैल्यू क्यों निकालनी पड़ती है हमें? क्योंकि जो फॉर्मेट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का वो स्टार्ट होता है ग्रोस एनुअल वैल्यू से। ग्रोस एनुअल वैल्यू में से फिर क्या माइनस किया जाता है? म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर माइनस किया जाता है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो आ जाती है नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू में से फिर क्या माइनस होता है? दो डिडक्शन माइनस होती हैं सेक्शन 24(1) की। एक होती है स्टेटूटरी डिडक्शन। स्टेटूटरी डिडक्शन यानी कि जो भी एनएबी आएगी उसका 30% ऑफ एनएबी माइनस किया जाएगा। और एक होती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो पूरे के पूरे चैप्टर में हमें दो ही बातें सीखनी है, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि हाउ टू कंप्यूट ग्रोथ एनुअल वैल्यू इन डिफरेंट सिचुएशन एंड हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये दो चीज़ें सीखनी है। तो लास्ट क्लास में हमने ग्रोस एनुअल वैल्यू स्टार्ट कर दिया था। वो डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रोस एनुअल वैल्यू, कितने तरह की प्रॉपर्टी होती है, मैंने 5-6 तरह की प्रॉपर्टी बताई थी। पहली प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि ये प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है ना, इसे टाइप 1 प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया था। फिर एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर बट फॉर सम पार्ट दिए इज ए वैकेंसी पीरियड, यानी कि हो सकता है 10 महीने किराए पर रही हो लेकिन 2 महीने उसका किराया किराए पर ना रही हो, खाली प्रॉपर्टी है।
एक तीसरी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, ये प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट फ्रॉड द प्रीवियस ईयर बट देयर इज सम अनरियलाइज्ड रेंट इन इन दैट प्रॉपर्टी, यानी कि जो किराएदार है वो किराया लेके भग गया, किराया आपका वसूल नहीं हो पाया, किराए में बैड डेट हो गया, जिसे हम बिजनेस की भाषा में बैड डेट कहते हैं। तो एक तीसरी तरह की प्रॉपर्टी वो है। एक चौथी तरह की प्रॉपर्टी होगी एक प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट फॉर सम पार्ट एंड विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर सम पार्ट, ठीक है ना। एक बीच में मैंने प्रॉपर्टी गायब कर दी, ए प्रॉपर्टी विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर, यानी कि एक वो भी प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रहते हैं, और एक वो भी प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप खुद बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं, वो यहाँ जिक्र नहीं आएगा क्योंकि वो चार्जिंग सेक्शन से ही बाहर है। हम केवल उन प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर जिनकी कैलकुलेशन हम इन चैप्टर के अंदर करेंगे। तो वो प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रहते हैं उसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पर की जाएगी क्योंकि वो प्रॉपर्टी भी चार्जेबल है। और उसके बाद मैंने दो प्रॉपर्टी बताई थी कि पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसे दो पार्टों में डिवाइड किया गया था। ये प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट फॉर सम पार्ट एंड विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर सम पार्ट, एक तो ये चीज़ हो गई। और एक वो भी प्रॉपर्टी हो जाती है कि पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर द होल ईयर एंड पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द होल ईयर। तो यहाँ तक आपको क्लियर है या नहीं है जल्दी से जवाब भेजिए। एक बार रिवाइज मैंने करा दिया पूरा पूरा चैप्टर आपको। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि हाउ टू कैलकुलेट ग्रोथ एनुअल वैल्यू, तो उसके टोटल कितने फैक्टर हैं जल्दी से बताइए, सभी लोग बच्चे जवाब भेजिए जल्दी से बताइए कि कितने फैक्टर हैं ग्रोथ एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करने के। चार फैक्टर हैं, जवाब आ गया। चार फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहला फैक्टर है म्यूनिसिपल वैल्यू, दूसरा फैक्टर है फेयर रेंटल वैल्यू, तीसरा फैक्टर है स्टैंडर्ड रेंट, और चौथा फैक्टर है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ARR। तो टोटल चार फैक्टर हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होती है? म्यूनिसिपल वैल्यू इज ए वैल्यू ऑन विच म्यूनिसिपल अथॉरिटी विल लेवी द टैक्स। म्यूनिसिपल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जिस पर म्यूनिसिपल अथॉरिटी टैक्स लेवी करती हैं। फेयर रेंटल वैल्यू क्या होती है? सिमिलर प्रॉपर्टी का किराया, सेम लोकेलिटी में सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी कि जिस प्रॉपर्टी को आप किराए पर दे रहे हो उसकी किराए की बात नहीं कर रहा, उसके किराए को तुम ARR कहेंगे, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल कहेंगे। फेयर रेंटल वैल्यू क्या कहेंगे? एक नॉमिनल वैल्यू है, काल्पनिक वैल्यू है कि अगर सेम प्रॉपर्टी मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी सेम सिमिलर लोकेलिटी में क्या वैल्यू रखती है, क्या किराया वो फैच करके ला सकती है, तो दैट इज कॉल्ड फेयर रेंटल वैल्यू। ये क्वेश्चन में गिविन होगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना। म्यूनिसिपल वैल्यू भी क्वेश्चन में गिविन होगी, आपको कैलकुलेट नहीं करना। स्टैंडर्ड रेंट, रेंट कंट्रोल एक्ट कुछ प्रॉपर्टी पर लगता है, और स्टैंडर्ड रेंट ये बताता है कि आप सेम प्रॉपर्टी का किराया मैक्सिमम कितना रिकवर कर सकते हैं, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल यानी कि जितना आपको रिकवर हुआ है। तो हमने दो प्रॉपर्टी की जीए भी निकालनी सीख ली थी। दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी? एक तो एक प्रॉपर्टी विच इज सेल विच इज लेट आउट फॉर द होल ईयर, तो उसमें हमने तीन स्टेप में निकाली थी। स्टेप वन क्या किया था हमने जल्दी से बताइए अपने जवाब। स्टेप वन मैंने क्या किया था जल्दी से जवाब बताइए कि स्टेप वन में क्या लिखा हुआ था? स्टेप वन में क्या लिखा हुआ था जल्दी से जवाब बताइए। स्टेप वन क्या है? हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर एंटर, वेरी गुड वेरी गुड, हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर एंटर वैल्यू। स्टेप टू क्या था? स्टेप टू था लोअर ऑफ स्टेप वन एंड स्टेप लोअर ऑफ स्टेप वन एंड स्टैंडर्ड रेंट, दिस इज स्टेप टू। और स्टेप थ्री क्या था? स्टेप थ्री क्या था? स्टेप थ्री क्या था? स्टेप थ्री क्या था जल्दी से जवाब दीजिए। किसी का ने भी ज्वाइन कर लिया, इसी का गुड मॉर्निंग। तो इसी थर्ड क्या था आपका? ERR, वेरी गुड इसी का, कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज द स्टेप थ्री। और ग्रोथ एनुअल वैल्यू क्या है? स्टेप वन आ गया, स्टेप टू आ गया, स्टेप थ्री आ गया, तो व्हाट इज द ग्रोथ एनुअल वैल्यू जल्दी से बताइए। व्हाट इज द ग्रोथ एनुअल वैल्यू जल्दी से बताइए। व्हाट इज द ग्रोथ एनुअल वैल्यू? ग्रोथ एनुअल वैल्यू इज द हायर ऑफ स्टेप टू एंड स्टेप थ्री। राइट आंसर, गुड आंसर। ग्रोथ एनुअल वैल्यू हो जाती है हमारी हायर ऑफ स्टेप टू एंड स्टेप थ्री। ये था कि अगर
कोई प्रॉपर्टी लेट आउट है थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, तो इसका एक मैंने क्वेश्चन भी आपको करा दिया था। एक दूसरी प्रॉपर्टी हमने ली थी, ये प्रॉपर्टी विच इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर बट वैकेंट फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था एक बार दोबारा समझ लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छी प्रॉपर्टी है, उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्टेप वन स्टेप टू ये तो सारे के सारे बराबर ही हैं, तो हम बात कर रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी की, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी टाइप टू प्रॉपर्टी, टाइप टू प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टाइप टू प्रॉपर्टी, हम बात कर रहे हैं टाइप टू प्रॉपर्टी। टाइप टू प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लेट आउट, प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर सम पीरियड, फॉर सम पीरियड एंड वैकेंट फॉर सम पीरियड। प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर सम पीरियड एंड वैकेंट फॉर सम पीरियड इसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसकी बात कर रहे हैं तो स्टेप वन क्या आ जाता है इसमें, मैं रिवाइज करा रहा हूँ इसे पूरा पूरा। स्टेप वन आ जाता है हायर ऑफ, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू। स्टेप टू क्या आ जाता है, सेम है लोअर ऑफ, लोअर ऑफ स्टेप वन वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट। स्टेप थ्री क्या आ जाता है, ए आर आर यानी कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। क्लियर है, अब हम बात करते हैं कि जी ए वी क्या निकल के आती है। तो जी ए वी डिपेंड करती है, जी ए वी जो आएगी वो डिपेंड करती है इज, ए आर आर इज मोर देन, इज ए आर आर इज मोर देन स्टेप टू। अगर ये है, अगर ये है तो जी ए वी इज इक्वल टू ए आर आर, अगर ज़्यादा है ए आर आर तो जी ए वी आ जाएगी ए आर आर। एक चीज हम चेक करेंगे इज ए आर आर इज लेस देन, इज ए आर आर इज लेस देन स्टेप टू वैल्यू। इसके दो रीजन हो सकते हैं, इसके दो रीजन हो सकते हैं, इसके दो रीजन हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ वैकेंसी, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ वैकेंसी और अदर रीजन, अदर रीजन। अगर वैकेंसी की वजह से कम है, बिकॉज ऑफ वैकेंसी अगर कम है तो जी ए वी इज इक्वल टू ए आर आर, जी ए वी इज इक्वल टू ए आर आर, और अगर अदर रीजन की वजह से कम है तो जी ए वी इज इक्वल टू स्टेप टू वैल्यू। यहाँ तक बताइए सभी बच्चे, समझ में आया या नहीं आ गया, इसे मैंने दोबारा से रिपीट करा दिया है आपको, वैकेंसी वाले पार्ट को पूरा पूरा रिपीट करा दिया मैंने, वैकेंसी वाले पार्ट को। जवाब आया, समझ आया या नहीं आया, समझ आ गया सभी बच्चों को। चलिए इसका एक क्वेश्चन आज दोबारा से हम लोग करना चाहेंगे, क्योंकि मैं इसकी प्रैक्टिस कराना चाहता हूं आपको, इसका दोबारा से एक क्वेश्चन करना चाहेंगे हम। तो एक क्वेश्चन दोबारा से लिखिएगा आप, क्वेश्चन दोबारा से लिखिएगा,
कंप्यूट कंप्यूट ग्रोथ एनुअल वैल्यू वे वैल्यू कंप्यूट ग्रोथ एनुअल वैल्यू क्या है सिचुएशन वो भी देख लेते हैं। अलग अलग केसेस होंगे पर्टिकुलर पर्टिकुलर केस ए केस बी केस सी और केस डी। म्युनिसिपल वैल्यू जो है म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो है 12,000 पर मंथ। पीयर रेंटल वैल्यू जो है वो है 11,500 पर मंथ। स्टैंडर्ड रेंट जो है इस प्रॉपर्टी का वो है 13,000 पर मंथ। और एआरआर जो है इसका एआरआर जो है इसका वो है 12,500 पर मंथ 12,500 पर मंथ। और वैकेंसी पीरियड है 1 मंथ का दूसरा केस जो हम ले रहे हैं 12,000 पर मंथ, ये सब पर मंथ की है वैल्यू। हम बात कर रहे हैं एफआरबी की तो 11,500 पर मंथ। एसआर की अगर बात करें हम तो 11,000 पर मंथ। और ईआरआर की बात करें तो ये आ रहा है हमारा 10,500 रुपये पर मंथ। और वैकेंसी पीरियड 2 मंथ का है इसके अंदर। अगर सी पार्ट की बात करें हम लोग तो ये 12,000 रुपये पर मंथ है म्युनिसिपल वैल्यू। 11,500 पर मंथ है हमारा एफ आर वी। और स्टैंडर्ड रेंट जो है वो है हमारा 11,000 पर मंथ। और ए आर आर जो है वो 11,000 पर मंथ है। और पीरियड ऑफ वैकेंसी है 2 मंथ का फोर्थ पार्ट की बात करें तो 12,000 पर मंथ म्युनिसिपल वैल्यू है। पेयर रेंटल वैल्यू 11,000 पर मंथ है। एस आर जो है वो 13,000 पर मंथ है। और ए आर आर हमारा 12,000 पर मंथ है। और वैकेंसी पीरियड है 1 महीने का। जल्दी से सभी बच्चे निकालेंगे इसे कि जीएबी क्या निकल के आएगी। जल्दी से सभी बच्चे करेंगे इसे कि ग्रोथ एनुअल वैल्यू क्या निकल के आनी है। सभी बच्चे कीजिए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे कीजिए। सभी बच्चों ने कर लिया ये। सभी बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया। कोई जवाब नहीं आ रहा है अभी, नहीं किया गया किसी भी ने। जल्दी जल्दी कीजिए, इतना समय क्यों लग रहा है।
जल्दी जल्दी बताइए केस वन का क्या आंसर आएगा। जल्दी बताइए केस वन का क्या आंसर आएगा। अब जवाब आने स्टार्ट हो गए हैं। केस वन का आंसर आप बता रहे हैं 1,37,500। मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, चलिए मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूं। स्टेप वन क्या आने वाला है? म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू विच एवर इज हाइयर, तो यानी कि 12,000 फिर 12 मंथ की आ जाएगी, तो 1,44,000। स्टेप टू क्या आने वाला है? स्टेप टू आएगा स्टेप वन और एस आर में जो भी लोअर होगा। तो स्टेप वन में क्योंकि पर मंथ का 12,000 रुपये आया था, तो यहाँ पर एस आर 13,000 है, तो लोअर 12,000 ही आएगा। तो स्टेप टू भी 1,44,000 आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्टेप थर्ड में क्या चीज़ आती है? स्टेप थर्ड में आती है जो ई आर आर है, इट मीन्स 12,500 मल्टीप्लाई बाई 11, तो यह आ जाएगा 1,37,500। क्लियर है? और जी ए वी जो निकल के आएगी वो आएगी कि क्या ए आर आर वैकेंसी की वजह से कम है। ये कैसे पता लगता है? ये पता लगता है कि आप जो एक्चुअल रेंट है उसे पहले पूरे 12 महीने का निकालिए। जब हम पूरे 12 महीने का निकालते हैं तो इट कम्स टू 1,50,000। तो ये 1,50,000 आता है। इसका मतलब है कि ए आर आर अगर वैकेंट नहीं होती प्रॉपर्टी तो स्टेप टू से ज़्यादा था, स्टेप टू से ज़्यादा था। अब क्योंकि वैकेंसी है तो स्टेप टू से कम आ रहा है, तो इट मीन्स जो कम होने के कारण है वो बिकॉज ऑफ वैकेंसी है। और जब बिकॉज ऑफ वैकेंसी होता है कारण, तो उस केस में जो ए आर आर होता है कम भी होता है वही क्या आ जाती है? जी ए वी हम लोग ले लेते हैं। तो वेरी गुड आंसर कि 1,37,500 ही इसमें केस ए में आना है। अब केस बी निकालिएगा जल्दी से। केस बी में क्या आंसर आपका आता है? केस बी में क्या आंसर आता है? निकाल लिया होगा आपने, अभी नहीं निकाला। बी सी डी तीनों के आंसर निकाल के रखिएगा। बी सी डी, बी सी डी तीनों का आंसर निकाल के रखिएगा। बी सी डी, बी का आंसर इसी का रस्तोगी का आया है 1,37,500। ओके आई विल चेक, मैं चेक करूंगा ऐसे अभी कि 1,37,500 ही आएगा। मनीषा का आया है 1,32,000, तो आंसर में डिफरेंस आ रहा है। देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। दोनों ही गलत हैं क्या? दोनों सही तो नहीं हो सकते कम से कम, या तो दोनों गलत हो सकते हैं। ओके इसी का अभी कह रही है कि मेरा आंसर ए का था। ए का तो मैं काफ़ी देर पहले निकाल चुका हूँ। अब आप सेकंड बी सी और डी में आइए जल्दी से। बी का आंसर, सी का आंसर, डी का आंसर जल्दी से निकालिएगा। बी सी डी टेक योर टाइम,
चलिए स्टार्ट करते हैं बी का आंसर। बी में जो पहला आएगा स्टेप वन, वो तो सेम आएगा 1,44,000, 1,44,000। जो स्टेप टू आएगा वो आता है लोअर ऑफ स्टेप वन एंड स्टेप टू। तो स्टेप टू जो आएगा वो आएगा लोअर, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंज जो है लोअर है। तो 11,000 इंटू 12, 1,32,000 आएगा। स्टेप थ्री जो आएगा वो आएगा 10,500, 10,500 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपका 1,05,000। सभी बच्चों ने जो सेकंड केस का आंसर है गलत निकाला है, सेकंड केस का आंसर गलत निकाला है, क्योंकि नहीं, ठीक निकाला है, आई एम रॉन्ग, ठीक निकाला है। एक्चुअली 10,500 जो 1,05,000 रुपये आ रहा है 10 महीने कराया, ये बिकॉज ऑफ वैकेंसी कम नहीं है बल्कि अदर रीजन है। और ये कैसे पता लगता है कि अगर आप 10,500 को पूरे 12 से भी मल्टीप्लाई कर देते, 10,500 को अगर पूरे 12 से भी मल्टीप्लाई कर देते तो भी ये निकल के आता 1,26,000। अब क्योंकि 1,26,000 निकल के आता जो कि स्टेप टू से कम है, अगर पूरे 12 महीने का भी कर देते, इट मीन्स किराया ऑलरेडी कम है। तो जो किराए में कमी है, नॉट ओनली फॉर वैकेंसी बट अदर रीजन, और जब अदर रीजन की वजह से होता है तो जीएवी जो हो जाती है वो स्टेप टू की वैल्यू हो जाती है। क्लियर है? ये तो सभी का सही था। सी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सी में देख लेते हैं एक बार को क्या प्रॉब्लम आ रही है। स्टेप वन 12,000 है तो, और 11,500 है, विच एवर इज हाइयर, यानी 12,000, 12,000 है, तो पूरे साल का आ जाएगा 1,44,000। स्टेप टू हम जो लेते हैं लोअर लेते हैं तो वो 1,32,000 ही आ जाएगा, और स्टेप थ्री जो हम लेते हैं वो लेते हैं हम लोग जो एआरआर है, एआरआर 11,000 है। 11,000 में 2 महीने का किराया नहीं मिला, यानी कि 10 महीने का मिला, तो 1,10,000। अब इसमें जो दिक्कत आ रही है बच्चों को, वो आ रही है कि ये पता नहीं लग पा रहा उन्हें कि बिकॉज ऑफ वैकेंसी कम है या नहीं है। तो आप पहले पूरे 12 महीने का किराया देखिए, पूरे 12 महीने का जब हम किराया देखते हैं एआरआर को तो वो एग्जैक्टली 1,32,000 ही आता है। इसका मतलब है कि किराए में जो कमी है वो बिकॉज ऑफ वैकेंसी ही है, बिकॉज ऑफ वैकेंसी ही है। पहले किराया कम नहीं था, ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन कम नहीं था, इक्वल था स्टेप टू के। गेटिंग दिस पॉइंट? क्योंकि जो लॉ मेकर्स ने लैंग्वेज दी है कि क्या किराए में कमी, क्या किराए में कमी बिकॉज ऑफ वैकेंसी ही आई है या नहीं आई है, तो इसे हम देखने के लिए हम ये देखते हैं कि पूरे 12 महीने का किराया क्या था। तो नॉर्मली क्वेश्चनों में 12 महीने का किराया या तो स्टेप टू से ज़्यादा आ जाता है या स्टेप टू से कम आ जाता है, तो आप आराम से पहचान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल आ रहा है। तो भी इक्वल के केस में भी इसका मतलब किराया बराबर था, कम तो नहीं था, और अगर कम हो रहा है तो बिकॉज ऑफ वैकेंसी ही कम हो रहा है, और जब बिकॉज ऑफ वैकेंसी ही कम हो रहा है तो जो जीएवी आएगी एआरआर ही आएगी, यानी कि इस केस में 1,10,000 ही आएगी। जल्दी से बताइए कि समझ में आ गया या नहीं आ गया, जल्दी से बताइए कि समझ में आया आपको या नहीं आया। सभी बच्चे जवाब भेजेंगे, सब सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो पार्ट है, डी पार्ट है, स्टेप वन जो आएगा तो 12,000 टू 11,000 बीच अभी हाई है, यानी कि 1,44,000। जब हम स्टेप टू करेंगे लोअर ऑफ स्टेप वन एंड एफ आर, तो यहां पर भी 1,44,000 ही आएगा, और ए आर आर जब हम करेंगे तो ये आ रहा है 12,000 पर मंथ। तो 12,000 पर मंथ के हिसाब से जब हम 11 महीने का निकालेंगे तो 1,32,000 ही आएगा। अब क्योंकि यहां पर भी चौथे केस में भी अगर हम पूरे 12 महीने का किराया देखेंगे तो वो ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं था पहले से, यानी कि इक्वल था, तो जो कमी आ रही है वो बिकॉज ऑफ वैकेंसी ही आ रही है। जब बिकॉज ऑफ वैकेंसी कमी आती है तो ए आर आर इज इक्वल टू
GAV। क्लियर है सभी बच्चों को? तो चारों के चारों केस क्लियर हो गए। अब हम लिखते हैं थर्ड टाइप की प्रॉपर्टी। दो तरह की प्रॉपर्टी मैंने कराई दी है, मैंने आपको बोला भी है कि पूरे हाउस प्रॉपर्टी में दो ही चीजें हमें निकालनी है कि हाउ टू कैलकुलेट ग्रोथ एंड वैल्यू इन डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, और किस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो बाकी तो ज़्यादा कुछ है नहीं हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में, क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहती है इस चैप्टर की। तो बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, आप कर ही रहे हैं। सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया है? सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया? चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। टाइप थ्री प्रॉपर्टी, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी इन केस ऑफ टाइप थ्री प्रॉपर्टी, कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ टाइप थ्री प्रॉपर्टी। ये टाइप वन, टाइप टू, ये सब मैंने लिखवाए हुए हैं आपको। वैसे तो आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रूआउट द ईयर एंड देयर इज सम अनरियलाइज्ड रेंट, यानी कि कुछ बैड डेट हो गया है। आपको तो इस तरह से याद रखना है कि उस केस में किस तरीके से वैल्यू निकाली जाएगी। बहुत इजी है ये, टाइप वन की तरह ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। स्टेप वन जो निकालना है हमें, स्टेप वन जो निकालना है सब में बराबर ही होते हैं। हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू, आपको दोनों का हायर लेना है। स्टेप टू जो लेना है वो लेना है लोअर ऑफ स्टैंडर्ड रेंट एंड लोअर ऑफ स्टैंडर्ड रेंट एंड स्टेप वन लोअर ऑफ स्टैंडर्ड रेंट एंड स्टेप वन। स्टेप थ्री जो लेना है वो लेना है एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, यानी कि जो भी एनुअल रेंट है उसमें से जितने महीने का आपको किराया नहीं मिला है वो माइनस कर दीजिए, और ग्रोथ एनुअल वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी हायर ऑफ स्टेप टू एंड स्टेप थ्री। जो ग्रोथ एनुअल वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हायर ऑफ स्टेप टू एंड स्टेप थ्री। बहुत ही सिंपल है ये, कॉपी हो गया सभी बच्चों का? फिर मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूं इसका। ओके, एक क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है कंप्यूट ग्रोथ एनुअल वैल्यू। स्क्रीन पूरी कर देता हूं चलिए मैं आपके लिए। कंप्यूट ग्रोथ एनुअल वैल्यू इन फॉलोइंग केसेस,
अलग अलग केसेस हैं ये। अलग अलग केसेस हैं ये पर्टिकुलर। केस ए बी सी एंड डी। म्युनिसिपल वैल्यू जो है, म्युनिसिपल वैल्यू है हमारी, म्युनिसिपल वैल्यू है 2 लाख। ये पूरे साल की लिख रहा हूँ मैं। म्युनिसिपल वैल्यू है 2 लाख। जो बी केस में है वो 2.5 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए है, और है हमारी 1.5 लाख रुपए। फेयर रेंटल वैल्यू जो है वो 2.5 लाख है, 2 लाख रुपए है, 2.5 लाख रुपए है, और 3 लाख रुपए। स्टैंडर्ड रेंट जो है, स्टैंडर्ड रेंट जो है यहाँ पर 3 लाख रुपए है, यहाँ पर आपका 1.5 लाख रुपए है स्टैंडर्ड रेंट, यहाँ पर 2.5 लाख रुपए है, और यहाँ पर 2 लाख रुपए है। ARR जो है, ARR जो है यहाँ पर हमारा 2.5 लाख रुपए है। पूरे साल का मैं बात कर रहा हूँ, पूरे साल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 2.5 लाख रुपए है, यहाँ 2 लाख रुपए है, यहाँ 1.5 लाख रुपए है, यहाँ 1.5 लाख रुपए है, और यहाँ पर है हमारा 3 लाख रुपए। अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट जो है यहाँ पर हमें नहीं मिला है, 20,000 रुपये का किराया नहीं मिला है, यहाँ पर हमें 50,000 रुपये का किराया नहीं मिला है, यहाँ पर हमें किराया नहीं मिला है 20,000 रुपये का, और यहाँ पर हमें किराया नहीं मिला है 70,000 रुपीज का। वैकेंसी पीरियड, वैकेंसी पीरियड शुरू की 2 प्रॉपर्टी में मैंने कोई वैकेंसी पीरियड नहीं लिया है, यानी कि नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि सिंपल जो केस हैं केवल अनरियलाइज रेंट के हैं। लेकिन सी और डी केसेस में मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूं कॉन्सेप्ट को, कि अनरियलाइज रेंट भी हो सकता है और वैकेंसी पीरियड भी हो सकता है। मैं दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर रहा हूँ। तो वैकेंसी पीरियड है यहाँ पर 1 महीने का, इसमें 1 महीने का है, और डी वाले केस में 2 महीने का वैकेंसी पीरियड है। पहले और जो दूसरे केसेज हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने अनरियलाइज रेंट, यानी कि जो टाइप 3 प्रॉपर्टी मैंने बताई है उसके कॉन्सेप्ट के आधार पर मैंने ई और बी केस दिए हैं, और सी और डी केस जो दिए हैं मैंने दोनों को मिक्स करता हुआ एक क्वेश्चन बनाया है, कि अगर अनरियलाइज रेंट भी है तो क्या होगा, और वैकेंसी पीरियड भी है तो क्या होगा। जल्दी से कॉपी कीजिए और फिर हम लोग करना स्टार्ट करते हैं इसे क्वेश्चन को। जल्दी से कॉपी कीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए अब हम करते हैं इसे, करते हैं इसे। पहला वाला जो केस है, पहला वाला जो केस है उसमें स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा पहले वाले केस में। FRV 2,50,000 है, इसे 2,50,000 करना है। FRV 2,50,000 है और हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू 2 लाख, यही है ना पहले वाले केस में। तो जो स्टेप 1 आएगा वो आएगा 2,50,000, हाइयर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू और FRV। स्टेप 2 क्या आएगा, स्टेप 2 क्या आएगा,
लोअर ऑफ स्टैंडर्ड रेंट एंड स्टेप वन, तो कितना आ गया 2,50,000 ही आ गया, क्योंकि एस आर हमारा जो है वो ज़्यादा है। स्टेप थ्री क्या आएगा, स्टेप थ्री क्या आएगा, एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट। तो एनुअल रेंट है हमारा 2,50,000, एनुअल रेंट हमारा 2,50,000 माइनस अनरियलाइज रेंट कितना है हमारा 20,000, तो ये आ गया 2,30,000। गॉट इट, ये आ गया हमारा 2,30,000। तो जीएवी क्या आएगी, जीएवी आएगी हायर ऑफ स्टेप टू एंड स्टेप थ्री, यानी कि मेरे वाले केस में आएगी 2,50,000। तो इसी का आंसर बिल्कुल करेक्ट था। केस टू भी निकाल दिया क्या, अरे कितनी फास्ट चलोगी। केस वन सबको समझ में आ गया, हो तो मैं फिर यहां से मिटाता हूं इसे, फिर हम केस टू की तरफ बढ़ते हैं। केस वन सबको समझ में आ गया हो तो मैं इसे यहां से मिटाता हूं और केस टू की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए केस टू की तरफ हम बढ़ते हैं। अब केस टू में क्या था, म्युनिसिपल वैल्यू 2,50,000 और एफ आर वी जो है कितनी है, म्युनिसिपल वैल्यू 2,50,000 और एफ आर वी कितनी है 2,00,000। तो विच एवर इज हाइयर, यानी कि 2,50,000, विच एवर इज हाइयर यानी कि 2,50,000। स्टेप टू में क्या आता है, लोअर ऑफ स्टेप वन एंड एस आर यानी कि 1,50,000 आ जाएगा। स्टेप थ्री में क्या आएगा, स्टेप थ्री में आएगा जो एनुअल रेंट है यानी कि 2,00,000 माइनस अनरियलाइज रेंट यानी कि 50,000, तो ये आ जाएगा हमारा 1,50,000 रुपये। और क्या आएगा, जीएवी क्या आएगा, हायर ऑफ स्टेप टू एंड स्टेप थ्री, तो दोनों इक्वल ही हैं, तो 1,50,000 रुपये हमारा आ जाएगा ग्रोथ एनुअल वैल्यू, ग्रोथ एनुअल वैल्यू इन केस सेकंड जो आएगा वो आएगा 1,50,000। इन केस सेकंड ग्रोथ एनुअल वैल्यू निकल के आएगा 1,50,000, 1,50,000 आएगा हमारा निकल के। जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। अब हम केस थ्री और केस फोर को देख लेते हैं। केस थ्री एंड केस फोर में दोनों ही बातें हैं, अनरियलाइज्ड रेंट भी है और वैकेंसी पीरियड भी है, अनरियलाइज्ड रेंट भी है और वैकेंसी पीरियड भी है, अनरियलाइज्ड रेंट भी है और वैकेंसी पीरियड भी है। केस थर्ड और केस फोर्थ देख लेते हैं हम लोग। केस थर्ड एंड केस फोर्थ देख लेते हैं, इसे मैं मिटा रहा हूं। केस थर्ड देखिएगा, केस थर्ड में स्टेप वन क्या है, 3,00,000 और 2,50,000 विच एवरेज हाई है यानी कि 3,00,000। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें दोनों ही चीजें हैं, और फिर फोर्थ आप अपने आप कीजिएगा। स्टेप टू में क्या आएगा, स्टैंडर्ड रेंट
और स्टेप वन विथ एवरी लोअर, तो लोअर आ जाएगा 250,000। तो स्टेप थ्री में क्या आएगा, जो एनुअल रेंट है 150,000, 150,000 माइनस अनरियलाइज रेंट 20,000 और माइनस एक महीने का किराया भी माइनस होगा क्योंकि वैकेंसी है। बेसिकली ध्यान दीजिएगा, जो ERR मैंने लिखा हुआ है ना, ये एनुअल रेंट का काम कर रहा है, एनुअल रेंट, यानी कि इसमें से ना तो अभी अनरियलाइज रेंट घटा हुआ है और ना ही अभी वैकेंसी पीरियड का रेंट घटा हुआ है, ठीक है ना। जो टेक्निकल ERR जो लोमेकर्स यूज करते हैं वो होता है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। इसका मतलब जब हम बात करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल की, तो इसका मतलब तो उसमें से अनरियलाइज रेंट भी घटा हुआ है और वैकेंसी पीरियड भी घटा हुआ है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड यानी कि रिसीव्ड तो वो होगा जो हमारा अनरियलाइज रेंट को घटाने के बाद आएगा और वैकेंसी पीरियड को घटाने के बाद आएगा, लेकिन मैं ERR को एज ए एनुअल रेंट ले रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन आएगा जो, तो उसमें हमें समझना पड़ेगा कि ये इसमें से लेस हुआ हुआ है या नहीं लेस हुआ हुआ है। तो अगर वो एनुअल रेंट के नाम से देते हैं इसका मतलब है कि लेस हुआ हुआ नहीं है, लेकिन अगर वो देते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल तो इसका मतलब ये होता है कि अनरियलाइज रेंट भी माइनस हुआ हुआ है और वैकेंसी पीरियड भी माइनस हुआ हुआ है, क्योंकि ERR को हम एनुअल रेंट भी तो बोल सकते हैं। तो अगर वो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड बोलते हैं तो इसका मतलब माइनस हुआ हुआ है, और अगर एनुअल रेंट बोलते हैं तो इसका मतलब माइनस हुआ हुआ नहीं है, इसलिए माइनस कर रहे हैं। तो 150,000 माइनस 20,000, अब 150,000 है पूरे साल का किराया है, 150,000 है पूरे साल का किराया है, तो डिवाइड बाई 12 एक महीने का किराया आएगा 12,500। तो एक महीने का 12,500 ओ माइनस करना है तो कितना ये आएगा, 150,000 माइनस 32,500, इट कम्स टू 117,500। इस सी पार्ट को बहुत अच्छी तरह समझना है। देखिए हमें जब वैकेंसी होती है तो हमें देखना होता है कि क्या किराया वैसे ही कम था या वैकेंसी की वजह से कम हुआ। तो यहाँ तो बहुत क्लियर डिफरेंस है कि 250,000 और अगर आप वैकेंसी को नहीं भी घटाते हैं तो 150,000। देखिएगा वैकेंसी को घटाए बिना, लेकिन अनरियलाइज रेंट को घटाने के बाद हमें चेक करना होता है। तो जब आप अनरियलाइज रेंट को चेक घटाएंगे तो 130,000 रुपये बैठ रहा है। तो अगर वैकेंसी को नहीं भी घटाते हैं तो अनरियलाइज रेंट को घटाने के बाद किराया 130,000 बैठ रहा है, जो कि स्टेप टू से काफ़ी कम है। तो क्योंकि स्टेप टू से काफ़ी कम है, इट मीन्स कि किराए में कमी दूसरे रीजन की वजह से, ना कि जो रीजन है वो आपका वैकेंसी है। तो जब ये वाला काम होता है तो हम जो स्टेप टू है उसी को हम क्या ले लेते हैं, ग्रोथ एनुअल वैल्यू ले लेते हैं। बात समझ में आ गई सभी बच्चों के, जल्दी से कॉपी कीजिए। हमें स्टेप थ्री में अगर वैकेंसी भी है अनरियलाइज रेंट भी है तो अनरियलाइज रेंट के किराए को घटाने के बाद कंपेरिजन करना है कि जो एक्चुअल रेंट है अनरियलाइज रेंट को घटाने के बाद क्या वो स्टेप टू से कम है वैकेंसी पीरियड को घटाने से पहले, लेकिन अनरियलाइज रेंट को घटाने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है उसे हमें कंपेरिजन करना है कि क्या वो स्टेप टू से कम है। तो अगर वो स्टेप टू से कम है तो इसका मतलब है कि वैकेंसी को घटाने के बाद जो किराया कम हुआ है वो दूसरे रीजन की वजह से है, यानी कि वो पहले से ही कम था, खाली वैकेंसी कारण नहीं है। तो जब खाली वैकेंसी कारण नहीं होता तो उस केस में जो GAV आ जाती है स्टेप टू वाली वैल्यू ही आ जाती है, स्टेप टू वाली वैल्यू ही आ जाती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को ये क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को ये क्लियर है या नहीं है? अब हम इसे मैं मिटा रहा हूं, अब हम बढ़ते हैं केस फोर की तरफ। केस फोर में स्टेप वन में क्या आएगा, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हाइयर, यानी कि 150,000 एस आर जो है 2,00,000 रुपए है, तो लोअर ऑफ स्टेप वन एंड स्टेप टू, यानी कि इसमें आ जाएगा 150,000 क्योंकि लोअर 150,000 हो गया। स्टेप थ्री में क्या आएगा, जो एनुअल रेंट है 3,00,000 रुपए है, 3,00,000 है, 70,000 रुपये तो हमारा अनरियलाइज रेंट ही हो गया, 70,000 रुपये तो हमारा अनरियलाइज रेंट हो गया।
और 2 महीने का किराया और माइनस होगा, 2 महीने का किराया और माइनस होगा तो 3 लाख अगर पूरे साल का किराया है तो 1 महीने का किराया यानी कि 25,000 रुपये हो गया, 2 महीने का किराया आपका हो गया 50,000। तो 3 लाख में से जब 1,20,000 रुपये जाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 1,80,000, ये वैल्यू निकल के आएगी 1,80,000। अब क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा है तो जीएवी आ जाएगी 1,80,000, जीएवी आ जाएगी 1,80,000, जीएवी आ जाएगी इसमें 1,80,000, क्योंकि स्टेप थ्री का जो किराया है वैकेंसी को घटाने के बाद भी वो स्टेप टू से ज़्यादा है। अगर वैकेंसी होती है क्वेश्चन में लेकिन किराया जो है वो ज़्यादा होता है स्टेप टू से, तो उस केस में तो स्टेप थ्री वाला यानी कि एआरआर ही क्या आ जाएगा आपका, जीएवी आ जाएगी। क्वेश्चन आपका आया है सर स्टेप वन में 3 लाख होंगे, स्टेप वन में 3 लाख होंगे, सही कह रहे हो बच्चे, स्टेप वन में 3 लाख ही होंगे, मेरे से गलती लिखा गया, स्टेप वन में 3 लाख ही होंगे क्योंकि हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंटल वैल्यू, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंटल वैल्यू, तो स्टेप टू भी चेंज होगा, ये तो पूरा का पूरा ही चेंज होगा। ये किस तरह से गलती हो गई मुझे खुद नहीं पता, मैं दूसरा करा देता हूँ, दोबारा करा देता हूँ। स्टेप वन जो आएगा 1,50,000 और 3 लाख विच एवर इज हाइयर यानी कि 3 लाख होगा, 3 लाख होगा। स्टेप टू क्या होगा, लोअर ऑफ स्टैंडर्ड रेंट एंड स्टेप वन यानी कि 2 लाख रुपये आएगा, और स्टेप थ्री जो आएगा वो आएगा एनुअल रेंट में से अनरियलाइज रेंट भी घटाइए और 2 महीने का किराया भी घटाइए यानी कि 50,000 भी घटाना है, तो ये निकल के आ जाएगा 1,80,000। अब आपको चेक करना है कि क्या स्टेप थ्री का जो किराया है क्या वो वैकेंसी की वजह से कम है। तो ये चेक करने के लिए आप पहले ये चेक कीजिए कि अगर वैकेंसी को नहीं घटाते तो एनुअल रेंट कितना आ रहा था, एक्चुअल रेंट कितना आ रहा था, तो अनरियलाइज्ड रेंट को तो घटा के देखना पड़ेगा। तो 3 लाख में जब 70,000 रुपये लेस करेंगे तो 2,30,000 रुपये आ रहा है बिना वैकेंसी पीरियड को घटाए हुए, जो किराया आ रहा है वो 2,30,000 रुपये आ रहा है जो कि स्टेप टू से ज़्यादा है। इसका मतलब है जो किराए में कमी आई है वो वैकेंसी की वजह से कम आई है, और जब वैकेंसी की वजह से कम आता है तो जो एक्चुअल रेंट होता है वही हमारा जीएवी हो जाती है, यानी कि इस केस में जो ग्रोस एनुअल वैल्यू आएगी वो आएगी 1,80,000। इस केस में जो हमारी ग्रोस एनुअल वैल्यू आएगी वो आएगी 1,80,000, क्योंकि किराए में कमी वैकेंसी की वजह से है, क्योंकि स्टेप थ्री जो कम हो रहा है स्टेप टू के मुकाबले वो वैकेंसी ही एकमात्र रीजन है। इस वजह से जो जीएवी आएगी वो आएगी हमारी 1,80,000 रुपये। जल्दी से बताइए कि आपके समझ में आ गया है या नहीं आया है, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए और बताइए मुझे कि समझ में आया है या नहीं आया है। उम्मीद करता हूं आपको अनरियलाइज्ड रेंट का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, अनरियलाइज्ड रेंट का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, और मैंने दोनों को मिक्स भी कर दिया है कि अगर यहां पर अनरियलाइज्ड रेंट भी है और वैकेंसी भी है तो उस केस में हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर दोनों ही बातें हैं तो किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए आप, जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए। जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ते हैं।
हमने तीन तरह की प्रॉपर्टी तो कर ली है अभी, सेल्फ ऑक्यूपाइड रह रही है भाई हमारी प्रॉपर्टी, इसके अलावा फिर प्रॉपर्टी रह रही है हमारी पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये वाली प्रॉपर्टी रह रही है। इसे करने से पहले हम अब नेट एनुअल वैल्यू की तरफ भी बढ़ते हैं, इसे करने से पहले हम लोग नेट एनुअल वैल्यू की तरफ भी बढ़ते हैं कि नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें जीएवी निकालनी पड़ती है और उसमें से हमें म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर लेस करने पड़ते हैं। ये आपको मालूम है जो हमने फॉर्मेट मैंने बनवाया था। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट ग्रोस एनुअल वैल्यू, ग्रोस एनुअल वैल्यू में निकलवानी बता ही रहा हूँ आपको। देयर आफ्टर वी हैव टू डिडक्ट म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर लेस करने के बाद निकल के आ जाती है नेट एनुअल वैल्यू। तो एक हेडिंग डाल रहा हूँ मैं, कंडीशन फॉर डिडक्शन ऑफ म्यूनिसिपल टैक्सेस, कंडीशन फॉर डिडक्टिंग, कंडीशन फॉर डिडक्टिंग म्यूनिसिपल टैक्सेस। कंडीशन फॉर डिडक्टिंग म्यूनिसिपल टैक्सेस, क्या कंडीशन है म्यूनिसिपल टैक्सेस को लेस करने के लिए, क्या कंडीशन है? पहली है म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर नॉट बाय टेनेंट, यानी कि ओनर ही पेड करेगा तभी माइनस होंगे, अगर टेनेंट ने पेड करा तो माइनस नहीं होंगे। दूसरी है म्यूनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर यानी कि एक्चुअली पेड हो जाने चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इफ म्यूनिसिपल टैक्सेस इज ड्यू बट नॉट पेड देन नो डिडक्शन इज अवेलेबल। लिख लेते हैं, इफ म्यूनिसिपल टैक्सेस इज ड्यू बट नॉट पेड डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल। अगर म्यूनिसिपल टैक्सेस ड्यू हैं लेकिन पेड नहीं है तो डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। इफ म्यूनिसिपल टैक्सेस इज ड्यू बट नॉट पेड डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल। क्लियर है? कोई भी डाउट हो बता दीजिए। एक क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट नेट एनुअल वैल्यू क्वेश्चन क्या है? म्यूनिसिपल वैल्यू जो है वो 4 लाख रुपए है, म्यूनिसिपल वैल्यू 4 लाख रुपए है, फेयर रेंटल वैल्यू जो है वो 3,50,000 रुपए है, स्टैंडर्ड रेंट जो है 3,75,000 रुपए है और ARR यानी कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल जो है
वो आ रहा है निकल के 4.5 लाख रुपए, वो आ रहा है 4.5 लाख रुपए, म्यूनिसिपल टैक्स लेवी, जो म्यूनिसिपल टैक्सेस लेवी हो रहे हैं वो 70,000 आ रहे हैं। अब म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर 20,000 रुपये और बाय टेनेंट 15,000 रुपये। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर है 20,000 और म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द टेनेंट है 15,000। जल्दी से कॉपी कीजिए, आप लोग वेट करने के लिए भी कह रहे हैं तो मैं वेट कर लेता हूँ। जल्दी से कॉपी कीजिए, आप सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन भी आपको अपने आप ही करना है, फिर तो मैं चेक कराता हूँ। चलिए करते हैं फिर। ऊपर आप हेडिंग डाल ही लेंगे, जैसे मैंने बताया था कि कंपटीशन ऑफ एनुअल वैल्यू फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-23, जो भी आपसे कैलकुलेट करवाया है इसी नाम से हेडिंग आ जाती है, कंपटीशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। चलिए मैं डाल ही देता हूँ पूरे फॉर्मेट के साथ, फिर हम देख लेंगे। कंपटीशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, कंपटीशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। सबसे पहले हमें निकालनी होती है ग्रोस एनुअल वैल्यू, सबसे पहले हमें निकालनी होती है ग्रोस एनुअल वैल्यू, ग्रोस एनुअल वैल्यू निकालनी होती है, वैल्यू निकालनी होती है। अब क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है हमारा नेट एनुअल वैल्यू निकालने का है, तो जो ग्रोस एनुअल वैल्यू है वो एक तरह से वर्किंग नोट में निकलेगी, एक तरह से वर्किंग नोट में निकलेगी। वर्किंग नोट में आपको दिखलाना पड़ेगा स्टेप वन आप पूरा लिखेंगे पहले, हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट वैल्यू दैट इज 4 लाख रुपीज, हायर ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट वैल्यू दैट इज 4 लाख रुपीज। स्टेप टू भी लिखेंगे आप, स्टेप टू भी लिखेंगे लोअर ऑफ स्टेप वन एंड स्टेप टू यानी कि दैट इज 3,75,000। और स्टेप थ्री भी लिखेंगे आप, स्टेप थ्री क्या लिखेंगे, हायर ऑफ स्टेप थ्री में तो खैर 4,50,000 आ ही जाएगा, ए आर आर आ जाएगा, और ग्रोस एंड वैल्यू लिखेंगे हायर ऑफ स्टेप टू एंड स्टेप थ्री दैट इज 4,50,000। तो यहाँ निकल के आ गया हमारा 4,50,000 ग्रोथ एनुअल वैल्यू। ये हमारा एक तरह से वर्किंग नोट का काम होगा क्योंकि हमसे पूछा गया नेट एनुअल वैल्यू। लेस क्या करने पड़ेंगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, पेड बाय ओनर बताइए कितने माइनस होंगे। टोटल म्यूनिसिपल टैक्सेस लेवी हुए हैं 70,000, 70,000 उसमें से पेड हुए हैं 35,000, और 35,000 में से भी जो पेड किए हैं ओनर ने वो किए हैं 20,000, तो सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये ही माइनस होंगे, सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये ही माइनस होंगे। तो ये निकल के आ गई वैल्यू 4,30,000, ये वैल्यू निकल के आ गई 4,30,000। इसे हम लोग बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू, इसे बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कीजिए, और इन्फॉर्मेशन बस इतनी ही होती, इसके अलावा भी हो सकती हैं लेकिन अगर इस क्वेश्चन में इतनी ही होती तो हम इसमें से एक डिडक्शन और देते 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। अगर आपसे पूछा जाता कि कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हम केवल क्वेश्चन को यहीं तक समाप्त नहीं करते बल्कि हम लोग क्या करते, एक 30% की डिडक्शन और देते। वैसे तो दो डिडक्शन मिलती हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मिलती है और एक स्टेटूटरी डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी मिलती है। लेकिन जब तक हमसे ये नहीं कहा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएंगी, तो हम अपनी तरफ से नहीं घटा सकते। लेकिन 30% तो बिल्कुल धर्म कांटे की है, वो तो घटनी ही घटनी है,
एनएवी का 30%। तो 30% निकलने के बाद क्या आ जाती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैं निकाल देता हूं, अगर हमसे पूछा जाता इस क्वेश्चन में तो पूछा हुआ नहीं है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाता तो उस क्वेश्चन को कैसे करते, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में जो पहली डिडक्शन है स्टेटुटरी डिडक्शन अब वो आ जाएगा 30% ऑफ एनएवी, यानी कि 430,000 रुपये का 30%, 430,000 रुपये का 30%, ये आ जाएगा आपका 1,29,000। इंटरेस्ट ऑन बॉरोड कैपिटल इसमें है नहीं, तो इसे माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी 3,01,000, ये आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये अमाउंट निकल के आ जाएगी। सभी बच्चों को ये क्लियर है, ये अमाउंट निकल के आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जल्दी से बताइए सभी बच्चों को ये क्लियर है या नहीं है। सभी बच्चों ने कॉपी कर लिया ये। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, दो तीन कॉन्सेप्ट हो गए हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।